नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात सुनी हो क्या नहीं हो, सुना हुआ बात आई। देखो एक बढ़िया बात बताऊ, गलती क्या हुई है कि जो हमारा है उसको तो अपने अपना माना नहीं, और हमारा नहीं है उसको अपना मान लिया। ये गलती हुई है। खास अब जिन व्यक्तियों को, वस्तुओं को, रुपये पैसों को, मकानों को जो अपना माना है, ये अपने से क्या पहले, आज से 100 वर्ष पहले और 100 वर्ष पर पीछे रहेंगे क्या अपने? तो अपने नहीं है उनको अपना मान लिया। और अपने कौन है? अपने भगवान है, मम्मी वंशु जीव लोगी ईश्वर योजनाशी, तो अपने भगवान है। उस भगवान को अपना मानते नहीं, वो अपने हैं, उसका अंश है, वो हमारा है, हम उनके हैं। दूसरी बात, जो मौजूद है उसको अपना मानते नहीं, अनाव मौजूद नहीं है उनको अपना मानते हैं। परमात्मा है वो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना में है, तो वो तो मौजूद है। वो संसारी मौजूद नहीं है। ये शरीर बालक परसा जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ और मर जाता है, तो ये नहीं रहता है मौजूद। तो मौजूद नहीं रहता है उसको तो अपना मानते हैं, और जो मौजूद है परमात्मा उसको दूर मानते हैं, कहीं है पता नहीं कहाँ है, है नहीं है। अगर ये नहीं है प्रत्यक्ष दिखता है कि जो हमारा था वो हमारा नहीं रहा, जो हमारा नहीं रहा तो अब बाकी रहा वो हमारा नहीं है। नमूना होता है ना, व्यापारी व्यापार करते हैं तो माल देखते हैं तो उसका नमूना देख देते, नमूना देख करके निश्चय कर लेते ऐसा है। सैकड़ों हजारों बोल आदि पकड़ लगा देखो, ऐसे ऐसे ये माल ऐसा है, ऐसे हमारी वस्तु कल्याण हमारी नहीं है, तो माल तो ऐसा है, शुभ माल सही है, नमूना है ये सैंपल कर रहे हो, नमूना है ये, नमूना है तो आप सब सही है। फर्क क्या बताओ, हम देखते हो वो गलती भी नहीं रहा, वस्तु भी नहीं रही, परिस्थिति भी नहीं रही, घटना भी नहीं रही, वो देश भी नहीं रहा, वो समय भी नहीं रहा, तो ये अपने तो परीक्षा प्रत्यक्ष परीक्षा होती है, हमारा नहीं है। इस बात पर भी विश्वास कर रहे हमारा नहीं है, तो हमारा नहीं है इसका मतलब ये नहीं वो फेंक दे दूर हो जाए, किसका जला दे हम दूर हो जाए, ये मतलब नहीं। जैसे अपने मुसाफिर घर ठहरे तो अपना नहीं है तो क्या उसको दखल करते हैं, कोई खराब करते हैं? गाड़ी में बैठे रेल में अपनी नहीं है तो खराब करते हैं उसको, उपयोग करो ठीक रास्ता चलो, उपयोग करो। जब बैठे दरवाजा बंद कर देते हैं क्यों भाई, अपना तो नहीं भाई, कोई दरवाजा बंद क्यों हो रहा है? अपना नहीं है तो उसका खुद ही पड़ रहा है, अपना क्या नहीं तो हरा उगा रहे। उपार्जन करो, उपयोग करो, सब काम में लाओ, अपना अपना मत समझो। जैसे आप कहीं मुनीम हो तो उसका काम भी करते हो, दुकान भी संभालते हो, मकान भी संभालते हो, वस्तुओं को संभालते हो, लिखते भी हो, सब कुछ करते हो, पर भीतर मन में भाव रहता है क्या? हमारा नहीं है, हम जो नौकरी करते हैं मालिक का है, तो ये अटकल तो है आपको। अब इस गुरु को लगा लो भगवान का है, हम तो यहाँ मुनि भी करते हैं, मास्टर है, करते हैं काम करते हैं ठाकुर जी का।
आए जब साथ में लाए नहीं, जागरण जब ले जा सकते नहीं, रहते हुए मन के मुताबिक रख सकते नहीं, मन के मुताबिक बना सकते नहीं, तो हमारा क्या है? कोरा बैन है हमारा, है चलती है हमारी उन पर चीज बात है कि नहीं चलती, तो चाहे तो चला लो, मर्जी आप जैसे बना लो, शरीर कोई बनाओ मर्जी जैसा, विमान मत हो ना कोई वो रात में नहीं। फिर ये मजा है, तो बुद्धिमानी सोचो भाई, हमारा हो तो हमारा बस चलना चाहिए, जैसा हम करें वैसा कर सकते हैं, जैसा बना है वैसा बन सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। ज्यादा लग जाता है कब क्या कर, सही ठीक नहीं, मुकाबला लग ठीक नहीं, ठीक कर लो अपना है कुछ के बाद, तो चाहे तो अपना मान करके कर लो, वैसे नहीं कर सको तो अपना नहीं है, मान लो ये अपना नहीं है, अब कर नहीं सकते, हमारा नहीं है, अपना तो जिम्मेदारी से काम कर दिया गया। अति सुगम बात है, जिम्मेवारी का काम कर देना तो बढ़िया बात है, अपना मानना गलती बात है, नहीं है अपना उसको अपना मानना, और नदी नहीं है, मौजूद नहीं है, बह रहा जा रहा सुरसा, उसको अपना मानते है, परंतु मौजूद है, कभी जाते ही नहीं, हर दिन जैसे आप जहाँ कहीं रहे भगवान तो वहां रहेंगे, संसर्ग व्यापक है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, वो तो अपना है भाई, कम से कम ये दिखता वो अपना नहीं है, इतनी मान लो, अपना है उसको शास्त्र से मानो, संतों के लिए से मानो, माधवक वाणी से मानो, वेद से पुराणों से मानो, और नहीं मानो तो कोई परवाह नहीं, मतलब ये अपना नहीं है, ये तो बहुत प्रत्यक्ष है, अपना इस पर बस चलता नहीं, तो ये याद रखो पिछर में अपना है, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, पंडाल है, अच्छा है, ज्यादा रुका हुआ है बैठे, पर हमारे तो ही मानते हैं अपना है, आराम में कोई फर्क पड़ता नहीं, काम में लो तो कोई बाधा नहीं, हमारा मानो तो गलती होती है, आज हमने कलकत्ते आदि में देखा है अच्छे अच्छे मकान खाली पड़े हैं, किराए देते नहीं, कदम ऊपर से आगे निकलेगा नहीं, क्या करें, तो ये बात भगवान की सब हो गया तो बड़ी मुश्किल हो गया हमारे पास, किसको दे दो तो मर जाएगा, मानेगा नहीं मुश्किल हो जाएगी, अरे भगवान तो ये उदाहरता से कोई बात है, अपनी माना नहीं माना दे दो, भगवान का देना बड़ा भारी उदारता का है, अपनी मानो कुछ नहीं, आंख ठीक नहीं दी है, आंख काम नहीं देती, तो अपनी माने क्यों है, गलती करिए ना, ठीक करो, उपचार करो, कोई अर्ज नहीं है, उपार्जन करो, दवाई लो, करो, पर मेरी है ये तो नहीं है ना, इतनी सी बात है, मेरी नहीं है, परमात्मा की है, हृदय से मान ले परमात्मा की, बस परमात्मा की मान करो तो भगवान की सेवा हो जाए, महाराज ये आपके बाल बच्चे हम पालन करते हैं, आपका घर है हम इसकी रक्षा करते हैं, आपका काम धंधा है हम काम करते हैं, आपका काम करते हैं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, आपको हुआ गया हमें क्या मतलब है, आपका काम कर रहे हैं, आपके यहाँ रह रहे हैं, आपका काम करते, भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान की ये जनता है, जन है सभी, उनकी सेवा करते हैं,
भगवान परेशान कर सकते हैं। शुरू उसने गाड़ी आ रही भी देखा है, अच्छे अच्छे मकान है, बढ़िया बढ़िया, और मकान में एक ब्राह्मण को रख दिया। अब ब्राह्मण पैसा लेता है और मकान को खालसा है। अरे मकान उसको लगा कुछ नहीं, बढ़िया मकान में रहता है, पैसा मिलता है फिर बढ़िया बात है। यूं ही भगवान के दरबार में और भगवान की चीज मानो, आनंद से मौज करो। अरे भगवान की है अपनी, अपनी है नहीं। ऐसे देखा है मकान, फिर अच्छे फिर 60 वर्ष रहते हैं, बहुत बड़ा मकान है, खुशियां फिर बैठे उठे ऊपर चलो पीछे रहो कहीं रहो, कई सवाल मिलते हैं उनको। आज मकान मिलता है बने रहने के लिए, घर में अपना मकान है नहीं, ऐसा नहीं अपने घर में तो कुछ है नहीं, भगवान के दरबार में सब मकान है, कैसे मौज में रहते हैं आनंद से। हम भी रहते हैं इस मकान में, कैसा बढ़िया मकान है, पर सुने जाते याद ही नहीं आता है कि मकान में क्या दशा होगी, कौन रहता है अपना ये विशेष गया वो ज्यादा है अपना। इस मकान को अपना भी मत बनाओ। पहले वहां ऋषि था तो समाचार आया कि मकान पर मकान नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन बना दिया उसको, ये छोटा मकान बनाया था, यही समाचार आया उसको बना दिया, क्यों बना दिया भाई, मेरे को ना कही है और भारत नहीं बनाना चाहिए, बना दिया। फिर क्या वो पर बनानी है, वो अपने नहीं चाहिए। फिर ऋषि उसने वो बना दिया, ये बड़ा मकान बना दिया उसको, क्यों बनाया वो मेरे से बन के समा मकान बनाओ, तो मैंने कहा पट्टे को बना दो, ये पट्टे खड़ी करके मकान बना दो, काम आ जाएगा, जब कभी चाहो बिक्री कर दो, अब आज वो मूल्य लगा ज्यादा मूल्य बैठेगा, घाटा होगा नहीं। साइज उठा लो, अब वही जो पता क्या उठाना उठाने बच्चे बटे हुए पैसा, इन्हें पैसे जितनी तरह लग गया है उससे ज्यादा ही बट सी मरो, स्वयं तो करते नहीं क्या मानते नहीं, क्यों बड़ा मकान बनाओ आप हसे नहीं बनाओ तो हमारे कहने में सरकार भी भाई यहाँ पर खड़ा खोद करके बनाई थी गुफा, वो ठीक है वो भी कर दो पट्टिया, ऊपर वो भी दे दो रेस कर दो, बस रेसा पड़ा है अपना ठीक है, उससे गुफा में बैठो मौज करो। कुछ भी करना होगा और पट्टिया दाम बढ़ती थे, जब विचार करो नहीं उठाओ सभी, दाम तो बढ़ते ही चला जा रहा है, अपना है ही नहीं, ठाकुर जी रहे अच्छी तरह से रखो। हमारे मकान में देख लो पास में ठीक है, गृहियों का हो तो उसके पास में पैसा पड़ा है, पैसे कुछ पड़ा है, गंदगी हुई है, अब हमने बहुत सफाई गंदगी के नाम ही नहीं, पैसा हुआ तो तारा से मार जाओ भाई, बीच की याद नहीं कोई नहीं सुनते, खराब नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने मकान है उनसे बहुत अच्छा है मकान, स्वच्छता भी जाते है, सफाई भी जाते है, आराम भी जाते है, वो वृक्ष पौधा लगाते हैं हजारों रूपये लगा रहे, लाखों लगा दिए पता नहीं, मकान बना दिया लाखों रूपये लगा दिए, अब मर्जी लगा हम तो कहते नहीं लगाओ, हम रंगा करो कुछ नहीं है, कभी से कराएगा अच्छा कर लो सारी मर्जी है, हमारी तो मर्जी है नहीं, हमारी बिना मर्जी बन गई, बैठे मौज से आनंद से बैठे बैठे सब पसंद हो, हमारी कोई संपत्ति नहीं, जो अफसोस संसार है भगवान का है, भगवान में रहें भगवान की दास है, जहाँ रखेंगे वो राम जी वहां रहेंगे दास, कितनी मौत की बात,
हमारे बहुत मन जा रहे वहां से टुकड़ा मांग रहा है खा लिया मोहन सुन माता देती भोजन देती जहां कर बड़ो प्रेम से लो धान नहीं धीनो नहीं रुपयो रोक जीवन बैठा रामदास आड़ मिले सब थोक देखो तू एक कोठ भरी हुई धान लिया करे महाराज उन्हें घरों भीड़ कोठ धान नहीं या धीनो नहीं न गाय न भैंस न भेड़ न बकरी नहीं रुपये रोक रोक रुपये नहीं लिया होगा पर जहाँ भोजन करने में थे सब तैयार घीर दूध दही साग रोटी खिचड़ी कड़ी लसा भोजन करो अब मेरे नहीं बैठा खा रही हूँ घर में ले आया कर दिया ठीक है लाड़ो को नो काम कर दी भाई घर में घर से है काम करो वो काम कर रही हो अरे पास रोटी मौसम चला गया पास पूछ नहीं कोई तार नहीं चिट्ठी नहीं समाचार नहीं कुछ नहीं आप तो फिर अपना करके क्यों मुंह में दुख पाओ मरे तो दूर मरे हो दुख पाओ और भड़क भड़क करो मरता भी दुख पाओ जीता भी दुख पाओ सदा भी दुख पाओ तो क्यों मुंह में दुख पाओ बहन है रुपया हो जाओ तो सुख हो जाओ रुपया ने पूछो मुझसे रखे कहाँ शेर जी कहते थे कि लोग पूछते रुपया कहाँ रखे कि हम कहें वहां तो रखते नहीं अरे करीब बात हो जगह रक्षा करो कई घर अभी कहो अंधेरी तंगी है अन्न नहीं मिलता पूरा ग्रस्त है बाल बच्चों वाले हैं बड़ी तंगी से काम चलाते हैं अब वही तो उसी लगा तो बोला दो चार मन बोले वहां लगा दिया जहां देखो वहीं पहुंचा दिया ये रखने की जगह है अब इसके हाथ मिलेगा सुरक्षित रहेगा पकड़ा चिंता रहेगी नहीं ऊपर रखो यो वही रखते नहीं तो हमारे पास उतरा जाए हमने ऐसा तमाशा देखा है रुपया पास में पड़ा रहने में खुशी रहती है हमारे पास रुपया है कुछ मतलब नहीं गर्मी रुपया है हमारे पास कुछ नहीं आज मर जाते कोड़ी साथ सारे नहीं चोरों रुपया अरे पहले डाकू से चोरों से डरते रात से डरे पहले रात को पुकारते थे हमारे आप पता गया अब उनको पकड़ वही डर वही प्रदर्शन पहले खाने वाला राजा है वही उठा ले गया इंक्वायरी होगी ले गया सर डाका पड़ गया और डाका कौन मिटा रहे बताओ आपको तो आ गया तो राजगुरु कह महाराज डाका पड़ गया अब राजगुरु डाका प्रदर्शन किसको कहे तो कमाओ खावा अपने घुस तो उतरे से बांटे बांटे नहीं अपने बारे में बैठे किसने सकते दिन रात है करीब पूछ रही किस घर में तंगी है कैसी है छाने से पहुंचा दे हो बड़ो भारी पुण्य माना बहुत बड़ो कई बजे विधवासी बाल बच्चे छोटे बड़ा है नहीं पति है नहीं देवर नहीं जेठ नहीं बड़ी तंगी से काम करे पापड़ बेल करके पैसा लगा दिलसो रोटी मिले अभी कोई नहीं बेलाने वाला क्या करे मैं समझा ऐसे घर में है काम खराब करे पापड़ बना दो भाई तुम्हारे पापड़ बना दो अपन पापड़ बना दे देने में भी अपन संकोच नहीं वो ले भी ले ले अपना काम से ले जाए घर से निर्वाह हो जाए कोई ने कपड़ा सिलवा लिया कोई ने कोई बना दी कोई ने कोई चीज दे दी कुछ काम करा लिया अपना
अनाज साफ कर दो सर, साफ कर दे दे, मैंने पैसा चलो दे दे, बहुत साफ सुथरे दे दे, पैसा नहीं भाई पड़िया फालतू पड़िया उम्र भर खाओ तो खा सको नहीं। कलकत्ते में सज्जन ने मैंने कही बात कि तुम एक रुपया कमाते हो तुम्हारे पास है ये खा लोगे जो उम्र भर नहीं तो फिर कमाई की इकट्ठा करके क्या करोगे। सज्जन का रुपया स्वामी जी इसका उत्तर नहीं हमारे पास, क्या करूंगा तो आप कमाना चाहिए कमाना कमाना ऐसी मुश्किल हुई। थोड़ी सी अगल आ जाए तो बस निहाल हो जाओ, कमाओ खूब अच्छी तरह से रखो, आगे ज्यादा से ज्यादा रख लो, घटा लगे तो लग गया है जो सुखी तरह से रक्षा करो, मुझे दो घरों में बांटो स्थिर करो, मौज ले लो रस ले लो नहीं आनंद ले लो। जी आपने बताया चार पांच दिन बाद वो खर्च नहीं होता रुपया आएंगे, हमारे क्या कारण है, कैसे क्या मूर्खता, कोई मूर्खता निखालस शुद्ध मूर्खता है, मूर्खता तो है राजी, पर वो क्या वो मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है कि उसको लड़की मनोवैज्ञानिक तथ्य मूर्खता सही नहीं होगा, रुपया करने पर ही अच्छा लगे, अच्छा लगे आपस कोई आपस आपस अच्छी लगे हो गया बना माइया है हम लोगों को पालन करती है, बच्चा मर जाए तो माँ रो है, अरे आप मिट्टी हर्ज क्या है, एक मलमूत्र की मशीन तैयार होगी, मलमूत्र बना लो, गंगा जल चंदा दे दो, पेशाब बना लो, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, टट्टी बना लो, ऐसी एक मशीन है, इसलिए क्या क्या करोगे, और काम करना पड़े धंधा करना पड़े चिंता रखनी पड़े अच्छा चीज है, अरे नहीं हो तो रो सरो मर गया अरे क्यों तो मरा दीजिए क्यों कैसे क्यों हो रहा है तो कैसे क्यों सच्ची बात क्यों जो बुरी लगे, अपने पास ज्यादा है देव भाई किसी को ही, एक राजा थे कहानी सुनी है राजा थे जो दूसरे राजा पर चढ़ाई करी, उस राजा के धन पास में था खजाना बहुत था तो उस पर चढ़ाई करी, तो एक पंडित ब्राह्मण थे उसी गांव में अच्छे शहर में, तो वो अपने पास जो दिन बिल में मिल जाए वो अपना पास ले जाए, संग्रह नहीं करते ब्राह्मण पढ़े लिखे पंडित एक थे, तो राजा ने सवारी चली क्या गए अमुक चढ़ाई करी है, तो दो पैसे लेकर पहुंचा राजा साहब ये ले लो, क्यों मेरे आज जरूरत नहीं, आज तो भोजन कर लिया कल वहां रखना ही है, हमारी जरूरत नहीं है, तो मेरे आप मुझे खजाने लूटने को जा रहे हैं, कमी तो आपके है नहीं, तो आपको मैंने देखा किसको दे, दरिद्री कौन है, तो मैं देखा आप हो गए अपने और पास नहीं है इस बात में आया हो ना राजा लौट गया पैसा खाना पीरी कौन है मसला है राज है रुपया है खजाना है फिर भी मारो काटोगे इधर के आदमी मरेंगे उधर के आदमी मरेंगे क्या काटोगे देना है पैसा ले लो मेरे साथ हो गया क्या करोगे सत्य है भाई नारायण 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 सरोवर राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना संतोरा पर हुआ। राम।